हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मार्क्यूटेक के एट्रीब्यूट्स को आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, मार्क्यूटेक का एट्रीब्यूट देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से नोटपैड ओपन करिएगा, क्योंकि जो भी कोडिंग है वो नोटपैड के ऊपर ही करनी है। तो यहां से नोटपैड को ओपन कर लीजिएगा। अब यहां से शुरुआत करनी है, तो कई बार यहां पर डॉक टाइप से शुरुआत करी जाती है, तो आप भी डॉक टाइप लिख सकते हैं। इस तरीके से डॉक टाइप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहां पे HTML देना है, फिर नीचे आकर के HTML जो देते हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर HTML दे दिया, और फिर क्या करना है आपको, फिर यहाँ पर अब हमें प्रेस करना है हेड, हेड पोर्शन लिखना है, और हेड पोर्शन लिखने के बाद फिर लिखना है टाइटल, ठीक है। तो ये हो गया टाइटल, और टाइटल में क्या देंगे, क्योंकि हम मार्क्यूटेक का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, तो मार्क्यूटेक का एट्रीब्यूट ऑफ मार्क्यूटेक कर देते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ मार्क्यूटेक, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इस तरीके से इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइटल को क्लोज करना है TITLE। अच्छा, ये कई बार पूछा जाता है कि ये टाइटल का टी कैपिटल हो गया, यहाँ स्मॉल हो गया, तो कोई डिफरेंस, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ हेड को क्लोज कर देंगे, हेड का भी काम हो चुका है, ठीक है। अब एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ बॉडी टैग लगाएंगे, ये बॉडी टैग हो गया। और बॉडी टैग लगाने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी जो एंगुलर ब्रैकेट है उसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पर लगाइए मार्किंग, यहाँ पर मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट लगाएंगे। तो मार्क्यू, अब देखिए यहाँ पे लगा देते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन अब इस बार मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू डाउन कर देता हूँ, डाउन DOWN, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट भी आप दे सकते हैं, तो ये लिखा स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल AMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू 10 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्क्रॉल अमाउंट भी यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करते हैं, H1 में हम यहाँ पे दे देते हैं, या फिर पैराग्राफ लगा लेते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा कलर COLOR, और ये कलर कौन सा कर देते हैं, इस बार ब्लू कर देते हैं, तो ये ब्लू कर दिया हमने, ठीक है। और ब्लू करने के बाद क्या करना है, यहाँ से टर्मिनेशन देना है, और ये जो एंगुलर ब्रैकेट ओपन था उसको क्लोज करना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पर अब जो भी लिखेंगे वो दे देना है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ हेलो HTML, यही लिखना चाहता हूँ। और ये लिख करके यहाँ सबसे पहले पैराग्राफ को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पर मार्क्यू को क्लोज करेंगे MARQUEE, ठीक है। और फिर यहाँ पर एंटर करके आएंगे, तो यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, देन लास्ट में क्या क्लोज करेंगे, HTML को भी क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से HTML भी क्लोज हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे, यहाँ पर जाकर के चलिए इसे सेव करते हैं, MyHTML लिखता हूँ मैं इसका नाम, और .stm या .html यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ से क्लोज करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक MyHTML नाम से आ चुका है, ठीक है। और जब इसको चलाएंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डाउन चल रहा है, और इसका कलर भी देख सकते हैं, कलर कौन सा है, ब्लू कलर का है, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। अब इसमें कुछ और भी फॉर्मेटिंग अगर आपको लगानी है तो वो भी लगाया जा सकता है। देखिए इसमें इस तरीके से चलेगा, इसका कलर भी आप देख सकते हैं, ये कलर कौन सा है, कलर है आपका ब्लू। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और इसमें और भी फॉर्मेटिंग लगाई जा सकती है, जैसे इसमें कुछ चेंजेस करके और देखते हैं, कोशिश करते हैं कुछ और चेंजेस हो जाए तो, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर अब देना है फॉन्ट साइज, इस तरीके से लिखना है फॉन्ट साइज, और ये जो डबल इंटेड कोट्स को क्लोज किया इसको क्लोज नहीं करना है, इसको ओपन ही रखना है। और फॉन्ट साइज, और यहाँ पे फॉन्ट साइज मेंशन करनी होगी, जैसे हम करते हैं यहाँ पे 100 पिक्सल ये कर दिया। अब यहाँ पे मेंशन करके यहाँ पे टर्मिनेशन दे दीजिए, और अब इसको हम चलाने की कोशिश करते हैं, सेव करके देखते हैं कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, और ये यहाँ तक देखिए, ये स्क्रॉल अमाउंट देने का क्या फायदा है उसको देख लेते हैं एक बार, ये तो चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। एक बार स्क्रॉल अमाउंट को चेक करते हैं, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल अमाउंट 10 दिया गया, ठीक है। स्क्रॉल अमाउंट क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 10 के बजाय क्या करते हैं, यहाँ पे 30 कर देते हैं, स्क्रॉल अमाउंट 30 करेंगे। तो ये हो गया, तो ये हो गया इस तरीके से, और इसको सेव करके फिर इसको दोबारा से चला देंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अब देखिए बहुत तेजी से ये नीचे की तरफ मूव करने लगा, देख सकते हैं ना। अब देखिए अगर हम इसका स्क्रॉल अमाउंट और बढ़ा देते हैं तो और ज्यादा तेजी के साथ ये मूव करेगा, कैसे देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट 30 है। अब इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 60, ठीक है। तो 60 करेंगे तो बहुत फास्ट ये मूव करने लगेगा। तो इसको सेव किया, और यहां से इसको फिर दोबारा से चला दिया इसी प्रोग्राम को, तो देखिए और ज्यादा बहुत फास्ट ये
मूव करने लगा। तो स्क्रॉल अमाउंट का यही फायदा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।